हेलो यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ फॉर बस्ट साइज़ 35, जो कि ना कि हमारा स्मॉल साइज़ है ना ही हमारा मीडियम साइज़ है, बीच का साइज़ है जिसे हम कस्टम साइज़ कहते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक ले लिया है और जो लेंथ रखनी है उस अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। तो फर्स्टली जो हम कट करते हैं, मार्किंग करते हैं, वो लेंथ वाइज करते हैं। तो वी आर डूइंग द सेम। ड्राफ्टिंग से पहले मैं आपको फैब्रिक की नॉलेज दे देती हूँ। तो ये जो बेस फैब्रिक है वो जॉर्जेट है एंड उसके ऊपर हमारा सारा थ्रेड का सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो इसमें हमारा सितारा वर्क भी है एंड थ्रेड का सीक्वेंस वर्क भी है। तो उस अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद हम बाकी की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ वाइज इसको कट करके रेस्ट फैब्रिक को साइड कर दिया है। अब हमारे पास है ये फैब्रिक जिससे हमें 2 लेयर्स मिल गई हैं, फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों इसी से हम रेडी करेंगे। अभी जो ऊपर साइड से जो हमारा बंद है हम उसको भी कट कर लेंगे सो दैट हमारी 2 डिफरेंट लेयर्स बनकर अलग हो जाएं। तो ये पार्ट बैक का हो जाएगा एंड ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा। आप चाहें तो फैब्रिक को अलग रख कर ड्राफ्टिंग कर कर कट कर सकते हैं, चाहें तो दोनों फैब्रिक साथ में कर सकते हैं। दिस इज़ हैवी फैब्रिक तो उस हिसाब से हमें इसको ध्यान में रख के करना होगा। तो यहाँ पर 2 लेयर्स मेरे पास हैं। ड्राफ्टिंग हम करेंगे शैंटून फैब्रिक पर। शैंटून फैब्रिक मोस्टली लाइनिंग में यूज़ होता है फॉर ब्लाउज़, फॉर लहंगास। तो यहाँ पर शैंटून फैब्रिक है। शैंटून की क्वालिटी भी काफ़ी सारी आती है, तो मेक श्योर आप अच्छी क्वालिटी परचेज कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को फैब्रिक कहाँ से परचेज करना है उसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे DM कर देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूँगी सो दैट यू कैन बाय ऑनलाइन फैब्रिक फ्रॉम सूरत। सूरत में सबसे अच्छा फैब्रिक मिलता है और मैं अपना सारा फैब्रिक सूरत से ही मंगाती हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको 2 फोल्ड करके 1 फोल्ड बीच से और दे दिया है सो दैट हमारे पास जो लेयर्स आ जाएं फैब्रिक की वो 4 लेयर्स हो जाएं। और अगर खोलेंगे इसको तो 2 लेयर्स हो जाएगी फॉर फ्रंट फॉर बैक। तो इस तरीके से हमने बराबर करके देख लिया है एंड इसी तरीके से हम लेंथ वाइज इसको भी कट कर लेंगे। तो इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मेरा बेसिक कोर्स चल रहा था और वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। अगर आपको बेसिक आता है एंड आपको एडवांस में स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग सीखनी है तो मैंने अभी रिसेंटली अपना एडवांस कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मेनली हमारी ड्रैपिंग रहेगी। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो यू कैन DM मी और व्हाट्सएप नंबर आई हैव ऑलरेडी गिवन इन माई बायो। नाउ दीज आर 4 लेयर्स और अब इन पर हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे शोल्डर। शोल्डर हमारा 14 है, 14 को हाफ करेंगे तो इट विल बी 7। सो यहाँ पर हमने मार्क किया है 7 एंड इसके बाद हम इसको 1/2 इंच डाउन कर देंगे, जो कि हम हर आउटफिट में शोल्डर को 1 इंच डाउन करते हैं। देन आर्म होल हम यहाँ से मार्क करेंगे 6 पर, बिकॉज स्मॉल साइज़ है तो 6 पर इसको मार्क करेंगे। देन फिटिंग हमारा जो भी रहेगा उस अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पर मेरा विजिबल नहीं है मार्किंग बिल्कुल भी और थ्रेड है तो वो प्रॉपर मार्क नहीं हो पा रहा है। सो मैं मार्क करूँगी इस शैंटून फैब्रिक पर। तो यहाँ से वही जो मैंने आपको बताया कि 1/2 पर मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ आर्म होल के लिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें आर्म होल तैयार करना है। एक लाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हम आर्म होल कर्व बना लेंगे। तो अगर आपको आर्म होल कर्व बनाने में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन बाय स्केल्स। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्केल्स मिल जाएंगे डिफरेंट पैटर्न के लिए। तो आर्म होल के लिए पर्टिकुलर एक स्केल आता है, आप वो ले सकते हैं। आपकी आर्म होल की शेप कभी नहीं बिगड़ेगी। यहाँ पर मैंने फिटिंग का मार्क कर दिया है। तो वी आर डिज़ाइनिंग दिस ब्लाउज फॉर 35 बस्ट साइज। 1/2 35 का होगा 17.5 एंड उसका भी अगर हम 1/2 लेंगे तो 8.7 रहेगा। तो फिटिंग हमारी 8.7 पर हमने मार्क किया है। 2 इंचेस और 3 इंचेस का जो भी आपको मार्जिन लेना है आप वो ले लीजिए एंड जो मार्किंग की है विद मार्जिन उसको कट कर दीजिए। इसको कट करने के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट को साथ में कट कर रहे हैं तो बैक पार्ट को हम हटा देंगे क्योंकि उसमें हमें प्रिंसेस कट नहीं चाहिए, सिर्फ फ्रंट पार्ट में चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये मेन कटिंग करने के बाद हम प्रिंसेस कट करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट का हमें
लाइनिंग फैब्रिक का पार्ट एंड मेन फैब्रिक का पार्ट। तो यहाँ पर अभी हमने शैंड्रून कट कर दिए, अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक की 4 लेयर्स हैं उनको साथ में ही कट कर रहे हैं इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल एरिया है जिसको हम कट कर रहे हैं, एंड इसके बाद शोल्डर एरिया आ जाएगा उसको कट कर लेंगे जिसको हमने 1/2 इंच डाउन किया हुआ है। एंड कट करने के बाद जो भी हमारा रेस्ट रह जाएगा उसको ओपन कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे बैक के पार्ट कुछ इस तरीके से कटते हैं। नेक डिज़ाइन करने का मेरा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है और लोगों से, तो इसीलिए मैं कभी कटिंग नहीं करती हूँ डायरेक्टली नेक उसका डिज़ाइन करती हूँ लाइनिंग के साथ फ्यूजिंग ऐड करके। तो इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने 2 लेयर्स ले ली हैं, एक हमारा लाइनिंग रहेगा दूसरा हमारा मेन फैब्रिक है। तो इस तरीके से एक दूसरे से मिलाकर रखेंगे क्योंकि हमें पहले ड्राफ्टिंग करनी है देन उसके बाद कटिंग करनी है, एंड आगे पीछे होगा तो ड्राफ्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस हमारा 35 है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारा अंडर बस्ट भी आ जाएगा, वेस्ट भी आ जाएगा। वेस्ट यहाँ पर मतलब है अंडर बस्ट से, क्योंकि ब्लाउज़ की कोई वेस्ट नहीं होती, अंडर बस्ट एरिया आता है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारा डार्ट पॉइंट है वो है 10 पर, स्मॉल साइज़ है, एंड जो हमारा बस्ट साइज़ है 35 है तो 3.5 पर इसको मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद 1 इंच हम इधर साइड लेंगे एंड 2 इंच हम इधर साइड लेंगे और इस तरीके से कर्व लेते हुए यहाँ पर बना देंगे, और ये वाली लाइन हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से लेंगे हल्का सा कर्वी शेप में। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि ये कर्व हम इस तरीके से क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, तो वो तो आपको मेरे डिटेल वीडियोस में मेरे कोर्स में मिलेगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच डार्ट लिया है आर्म होल पर। तो गाइज़ आपको डिटेल वीडियो मेरे कोर्स में मिल जाएगी, आपका जो भी कुछ डाउट रहेगा वो आप मुझे ऑन व्हाट्सएप पूछ सकते हो। तो वीडियो ये मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय, टेक केयर।